हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बची हुई रोटी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाकर आपको बहुत मजा आएगा। एंड आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाया जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी के घर में कभी ना कभी ढेर सारी रोटियां तो बची जाती होंगी। कभी बच्चे तो कभी बड़े नहीं खाते, तो रोटियां अक्सर बच जाती हैं। आज हम इनका बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू ले लिए हैं बॉईल किए हुए, तो अब इनके छिलके हटा लेते हैं। आप किसी भी तरह के आलू ले लीजिए, देसी, पहाड़ी या हल्द्वानी, किसी भी तरीके के। अब इन आलूओं को हम मैश करेंगे, तो अच्छी तरीके से इन्हें मैश कर लेते हैं। ये देखिए, इन्हें मैश कर लिया है। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया डाला है। अब डाल देते हैं थोड़ी सी सौंफ। जितने भी मसाले हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अब वहाँ से देख लीजिएगा। लाल मिर्च डाल दी है। अब डाल देंगे थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ में डालिए रेड चिली फ्लेक्स, मैंने यहाँ पर एक छोटी चम्मच डाला है। 2 से 3 हरी मिर्च हैं, इन्हें छोटे छोटे पीसेज में काट लिया था। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। यकीन मानिए, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। तो आप इसे नाश्ते में, खाने में, आप किसी भी तरीके से खाइए, सभी को बहुत पसंद आता है। अब हमारी ये तैयार हो गई है। अब हमें ले लेना है एक बड़ा सा बर्तन। तो यहाँ एक बड़ा सा बर्तन रख दिया है। अब इसमें डाल देंगे हम बेसन। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी कटोरी बेसन ले लिया है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन, और अब डाल दीजिए इसमें थोड़ा सा नमक। ध्यान रखिएगा, आलू में भी नमक डाला हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ही डालें। थोड़ी सी यहाँ पे मैंने सौंफ डाल दी है, और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। अब पानी डालकर इसका पतला सा घोल तैयार करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे लम्स ना पड़े, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। और फिर आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, हमें किस तरीके की रखनी है। बिल्कुल इस तरीके की हमें पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए। बैटर हमारा तैयार हो गया है, तो अब तैयारी कर लेते हैं हम अपना नाश्ता तैयार करने की। तो देखिए, ये मैंने रोटियां ले ली हैं, काफ़ी रोटियां बच गई थी मेरी, तो इन्हीं रोटियों का आज हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन रोटियों को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। इन्हें डिवाइड करने के लिए चाकू का इस्तेमाल करेंगे, और बीच में से हम काट लेंगे। इसी तरीके से आप पराठा, पूड़ी, जो भी आपकी चीज़ बची हुई है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो हमारी आलू का भरावन है, इसे हम चपाती के अंदर रखेंगे, तो इसे 1/4 पार्ट में लगा देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और ये जो बचा हुआ 1/4 पार्ट है, हम इसे आलूओं के ऊपर लपेट देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप ब्रेड पकौड़ा बनाकर तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है देखने में भी और टेस्ट में भी। अब इसे बेसन का जो हमने बैटर बनाकर तैयार किया है, इसमें डिप कर लेते हैं। और डिप करने के बाद हमने जो तेल को गर्म किया है, तुरंत से उसमें डाल देंगे। तो यहाँ मैंने फ्राई करने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। इसमें डाल देते हैं और गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। ये देखिए, कितना बढ़िया सा हमारा पकौड़ा बनकर तैयार हो गया है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। एकदम कुरकुरा सा, यम्मी सा लगता है, ये देखिए। और इसी तरीके से हम अपने सभी पकौड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने एक डाल दिया है, एक और डाल दिया। इसी तरीके से आप 2-3 जितने आपके कढ़ाई में आ जाएं, आप उतने डाल दीजिए, और इसे कुरकुरा होने तक सेकेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे तैयार हो गए एकदम बची हुई रोटियों के एकदम टेस्टी से पकौड़े। फ्रेंड्स, इन्हें आप हरे धनिये की चटनी के साथ, चाय के साथ एंजॉय कीजिए। बहुत ही बढ़िया से लगते हैं, एकदम कुरकुरे से बनकर तैयार होते हैं। तो अभी ये गर्म है और थोड़े से कुरकुरे भी हैं, तो इसलिए मैं आपको इन्हें चाकू से काट करके दिखाऊंगी बीच में से। जब तक आप इन्हें बीच में से काट करके नहीं देखेंगे कि ये कैसे लगते हैं, तब तक आपको यकीन नहीं होगा कि कितने यम्मी से बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए, कितने बढ़िया लग रहे हैं। इसकी स्टफिंग भी कितनी गजब की लग रही है, और जो साइड में हमने रोटियां लगाई थी, वो भी कितनी टेस्टी हैं, एकदम कुरकुरी सी। इनका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप ब्रेड पकौड़ा बनाकर तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसा ही। तो फ्रेंड्स, आप इसे बना करके एंजॉय कीजिए, और जब आप इसे बना लें, तो उसके बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनकर तैयार हो रही है। और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आए, तो उसके बाद आप उसे लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें,
और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए राइट में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं जब भी कोई नई रेसिपी अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह नई रेसिपी में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।